जिस पानी में मैं नहाया था वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब? आज मैं फिर से राजस्थान के झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट के लोहारगढ़ में आया हूं और यहां पर इस लोहारगढ़ कुंड के पास ही एक अरावली पर्वतमाला भी है, तो हम वो भी दिखाएंगे और कुंड में नहाएंगे। तो वीडियो में आप एंड तक बने रहना गाइस। यहां पर बंदर भी बहुत ज़्यादा देख सकते हो आप, वो उछल रहा खेल रहे हैं। ये बंदर भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। राजस्थान के झुंझुनू जिले से करीब 70 किलोमीटर दूर अरावली पर्वत में बसा लोहारगढ़ एक सुंदर तीर्थ स्थल है। अरावली की तलहटी में यहाँ एक साथ 108 मंदिर स्थित है। यहाँ देश का एकमात्र सूर्य मंदिर है, जहाँ सूर्य देव अपनी पत्नी छाया के साथ विराजमान है। इस जगह की मान्यता है कि यहाँ के कुंड में स्नान करने से सारी पापों से मुक्ति मिल जाती है। अब हम बात कर लेते हैं लोहारगढ़ का नाम लोहारगढ़ क्यों पड़ा। लोहारगढ़ का सीधा अर्थ निकलता है लोहा गलना, यानी यह बात लगभग 3500 साल पहले की है, जब सतयुग था तब की है। इस जगह पर भीम जा रहा था और वो गिर गया था, तो उसका घुटना है वो इस ज़मीन पर टिक गया था और ज़मीन पर टिकने से यहाँ पर पानी आ गया था और कुछ ही दिन बाद इस पानी के अंदर से कौरव और पांडव भाग रहे थे जेल से छुटकर, और उनके हाथों में हथकड़ी लगी हुई थी। तो वो कौरव और पांडव इस पानी से जा रहे थे तो उनके हाथों में जो हथकड़ी थी वो गल गई थी, यानी खुल गई थी। तब से इस कुंड का नाम लोहारगढ़ पड़ा और यहाँ पर एक कुंड बनाया गया है। गाइस मैं कुंड में नहा भी लिया और मंदिर में प्रसाद भी चढ़ा दिया है। गाइस वो रहा कुंड, इस प्रकार का दिखाई देता है सेकंड मंजिल से देखने पर। इस पानी में मैं नहाया था।